started. So once again, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. See, अभी हमारे जो टॉपिक का नाम है, इट इज अबाउट मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, एज यू ऑल नो, थर्ड यूनिट इज गोइंग ऑन. सो उसमें वी हैव टू स्टडी द टू टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट. ओके, दिस इज इन फैक्ट योर क्वेश्चन फॉर टूडे. मैं वो बाद में लिख ही लूंगी इन द चैट बॉक्स. वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट? ठीक है, तो मार्केट फोरकास्ट एंड सेल्स फोरकास्ट, दीज ऑल आर द टाइप्स. दीज बोथ आर द टाइप्स. तो अभी ये जो हर एक एक स्टाइल है, दैट इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. ठीक है, ये जो PPT एंड ऑल है, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके, सो अभी डोंट गेट कन्फ्यूज बाय सीइंग ऑल दीज फिगर्स एंड ग्राफ्स. ओके, सो सी मार्केट फोरकास्ट. ओके, फाइन. ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. फोरकास्ट का मीनिंग पहले आई विल टेल यू, इट इज नथिंग बट प्रेडिक्ट. ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट फोरकास्ट. तो अभी आप लोग मुझे एक सेम चीज बताओ यहाँ पे. सो फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में क्या आता है? बायर्स सेलर्स जो होते हैं, राइट? तो मार्केट फोरकास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग ही मुझे बताओ. करंटली फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ, इज इट अ गुड टाइम टू एंटर अ न्यू मार्केट फॉर एनी बिजनेस? करंटली मुझे बताओ. एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ द राइट कविता, करंट सिचुएशन गोइंग ऑन, तो इट इज नॉट अ गुड मार्केट. सी, अगर आप इन अ वे डायग्राम को भी देख लो ना, उसमें तो सिर्फ वही लिखा है, यू नो, हाई एंड होम ऑफिस. मतलब वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट इज, यू नो, उनका बिजनेस का मार्केट कितना हम बढ़ा सकते हैं, राइट? मार्केट मीन्स नथिंग बट द कस्टमर्स जो आपके हैं. ओके, तो उसमें वही लिखा है मार्केट फोरकास्ट. अभी मैं आपको इंडिया का फॉर और एक अगर अच्छा एग्जांपल दूँ, वी ऑल नो, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली टाइम जो होता है, राइट, वो टाइम पे भी मार्केट फोरकास्ट, आई मीन, आपका ग्राफ ऊपर जा सकता है, राइट? मतलब बेसिकली वी आर प्रेडिक्टिंग द मार्केट ग्रोथ जो हो सकता है, राइट? आई मीन, मार्केट फोरकास्ट में अगर मैं बात करूँ, एक्सपांडिंग टू न्यू मार्केट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो, आई एम समवन हु सेल्स सेल फोन. ओके, मेरा अभी मुंबई में ही बिजनेस है, ठीक है, बट धीरे धीरे वॉट आई एम एमिंग फॉर इज, यू नो, कि मुंबई के अलावा मे बी अब पूरे महाराष्ट्र में मैं जाऊँ, पूरे इंडिया में मैं जाऊँ, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड मार्केट फोरकास्ट. मतलब मार्केट मीन्स बिल्डिंग ऑन अ सर्टन सेट ऑफ कस्टमर्स. ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट है? देन प्लीज आस्क मी. मार्केट फोरकास्ट में इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी. मार्केट फोरकास्ट हमारा हो चुका. दिस इज, यू नो स्टूडेंट्स, वेरी इजी. ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स में आ सकता है. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट? ओके, ठीक, ग्रेट. सो नाउ वी आर डूइंग सेल्स फोरकास्ट. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक्स अ लॉट. अगर हम सेल्स फोरकास्ट की बात करें स्टूडेंट्स, आपको वो ग्राफ दिख ही रहा है. मतलब वो तो सिर्फ एक रेफरेंस PPT है, बट क्या उसमें कहा है ग्रोथ बढ़ रहा है. मतलब सेल्स का वॉल्यूम, सेल्स का मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ. सो सी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये टाइम की दिवाली, टू बी ऑनेस्ट, उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लेट्स अज्यूम कि मेरे मोबाइल फोन्स का ही बिजनेस है. तो ये साल मैंने एक्सपेक्ट किया है कि, यू नो, 1 लाख नए फोन्स बिकेंगे. वी ऑल नो दिवाली टाइम पे मैक्सिमम परचेजेस हैपन, राइट? तो आई मीन, ये जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ 1 लाख यूनिट्स बिकेंगे, दिस इज, आई एम प्रेडिक्टिंग द सेल्स. ओके, कि इतने फोन्स बिकने ही वाले हैं, राइट? एंड सी स्टूडेंट्स, अगेन इट्स अ प्रेडिक्शन. जरूरी नहीं है ऐसा होने ही वाला है, राइट? यू नो, कई बार अगर आप देखते हो अमेजोन एंड ऑल, ये सब लोग भी, यू नो, बिफोर दे कंडक्ट सेल, वो लोग जब भी सेल कंडक्ट करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शन कि कितना सेल्स फोरकास्ट होगा हमारा, राइट? तो इफ आई टेल यू इन दैट वे, मार्केट फोरकास्ट जो है, यू नो, इट रिक्वायर्स अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिकॉज उसमें हम पूरा मार्केट का फोरकास्ट कर रहे हैं. सेल्स इज कंसर्न ओनली अबाउट, यू नो, कितने हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है। एंड सी वो ऊपर जो लिखा है ना, इफ़ यू लुक इन द स्लाइड, मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उसमें वो सब स्टेप्स है, आइडिया जनरेशन एंड ऑल, वो आपको आगे के लेक्चर्स में आने वाला है। वो सिर्फ टॉपिक का नाम है, उसमें देर इज दिस टाइप्स ऑफ डिमांड, इसलिए मैंने ये करवाया। फाइन, तो ये पीपीटी आप लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। सो अभी आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू। ओके, इसमें स्टूडेंट्स ऐसे ये यूनिट में यू नो बहुत छोटे है, राइट, तो हमारा फटाफट हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट स्लाइड इज, गुड। अच्छा, तो आपके लेक्चर में बेसिकली अभी जस्ट रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस, ठीक है? मार्केट रिसर्च डेटा, मतलब मैं आपको जो फोरकास्टिंग का अभी बोली थी, राइट, तो फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, इट कैन बी डन यूजिंग टू मेथड्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। अभी ये मैं आपको प्रोसेस जो है थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट इट इज, यू नो। ये आपको जो यू ऑल नो, अभी यू आर इन TY, राइट? सो TY पे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नेक्स्ट सेम, 6th सेम आपका जो आएगा उसमें यू विल हैव टू यू नो मेक अ ब्लैक बुक प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों को पता है तो। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट, राइट? मतलब उसमें बेसिकली, आई डोंट नो नाउ बट या नाउ ऑल्सो, पहले तो हम लोग वो लिटरली, यू नो आई रिमेम्बर मेरे BMS के टाइम पे आई यूज टू यू नो लिटरली मेक दोज क्वेश्चन है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना दी थी, फिर यू नो सब लोगों को रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज फिल करो फिल करो, राइट? तो आई मीन इसलिए ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है? फाइन, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बेसिकली, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंग्विश जो है प्लीज क्लियर इट नाउ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, समझने की ट्राई करो। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट योर PPT। प्राइमरी डेटा मीन्स न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डिरेक्टली। सी स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा को वी ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड मतलब पहली बार, सेकेंड हैंड का मीनिंग यू नो हम लोग बोलते हैं ना कि गुरुवार में सेकेंड हैंड माल मिल जाएगा, मतलब वो पहले किसी और ने यूज किया हुआ है, राइट? प्राइमरी को मैंने क्या कहा, न्यू डेटा। न्यू मतलब जो ऑलरेडी पहले हम कलेक्ट कर चुके हैं, ओके, जो कलेक्ट नहीं कर चुके हैं, ठीक है? सो मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, तुम एक ऐसा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल यू नो एकदम हटके रिसर्च टॉपिक है, सो मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि कोरोना वायरस वैक्सीन या ऐसा कुछ टॉपिक। करंटली आप देखो वर्ल्ड में कहीं भी अभी वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुआ है कोरोना वायरस का, राइट? एंड फ्यूचर पास्ट में भी किसी को नहीं पता था कि यह आने वाला है। तो वॉट आई मीन टू से ओवर हियर इज, यू नो प्राइमरी डेटा में हम नया डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? एंड उसके बेसिस पे हम हमारा रिसर्च रिपोर्ट जो भी है बनाते हैं। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। तो प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, वॉट आर द मेथड्स, वो हमें पढ़ना है। एंड सी स्टूडेंट्स, आप भी जो रिसर्च करोगे ना, जस्ट रिमेम्बर, आप लोग खुद मुझे बताओ, सेकेंडरी डेटा मैं आपको कराने वाली हूँ, अकॉर्डिंग टू यू पीपल यू टेल मी, ओके, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होगा या बाहर से मिल रहा है वो रिलायबल होगा, आप खुद सोच के बताओ। वॉट वी आर कलेक्टिंग, इज इट रिलायबल या बाहर से? सी स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर यू नो कोई टीचर ने असाइनमेंट या ऐसा कुछ दिया है, आपको किस पे ज़्यादा भरोसा होगा, आप खुद लिखोगे वो
या तो फिर फ्रेंड लिखेगा वो, राइट, थैंक्स कविता जो हम कलेक्ट कर रहे, तो जस्ट रिमेम्बर प्राइवेट प्राइमरी डेटा जो है इट इज ऑलवेज मोर रिलायबल, ओके, क्योंकि हमने खुद ने एफर्ट्स की है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ उसके कुछ टाइप्स। सो सर्वेज, सो सी स्टूडेंट, सर्वेज आर वेरी मच सिमिलर, हम अगर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, राइट, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन एयर बना रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन एयर बनाने के टाइम देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, मैं आपको एक सिंपल चीज़ पूछ रही हूँ। अगर हमारा टॉपिक है रिसर्च का, यू नो, टू फाइंड आउट कस्टम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट मैं मेरे रिसर्च की बात कर रही थी, जब भी मैं गोदरेज में इंटर्नशिप कर रही थी मेरा टॉपिक यही था, राइट, कि मुझे, आई एम इन एचआर, राइट, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैंने मेरा एमबीए एचआर में किया हुआ है, यस। तो यू नो वॉट टॉपिक आई हैड सिलेक्टेड इज टू फाइंड आउट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कि क्या वो कंपनी में काम करके खुश है कि नहीं, ओके। तो नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हम बनाते हैं ना, लाइक सी स्टूडेंट्स, एक सिंपल हिंट दे रही हूँ, टेल मी, अगर तुम किसी को मिलने जा रहे हो तो पहले तुम उसे हाय हेलो है हाउ आर यू ऐसा बोलोगे, राइट, सीधा ऐसा नहीं बोलोगे ना कि चल बता क्या हुआ, आई मीन देर इज अ सर्टन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, राइट। अगर आप उसे सीधा ऐसे डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछोगे आर यू हैप्पी विद द कंपनी, थिंग्स डोंट वर्क दैट वे, राइट, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। तो आई मीन क्वेश्चन है बनाते टाइम भी, यू नो, सो सी फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग ही मुझे बताओ, आई हैड टोल्ड यू, यू नो, कि मेरा टॉपिक जो है रिसर्च का इट इज़ टू फाइंड आउट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अभी मैं पीपीटी में एक ऐसा क्वेश्चन डाल रही हूँ कि यू नो, ओके, विच विलेज आर यू फ्रॉम, ओके, टेल मी वन थिंग, क्या दोनों का कुछ रिलेशन है, तुम कौन से गांव से आ रहे हो, एंड मेरा जो टॉपिक है रिसर्च का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कुछ रिलेशन है इसका, तुम लोग मुझे बताओ। एब्सोल्युटली, थैंक्स कविता, मतलब मैं वही समझा रही थी, यू नो, कि बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं रेलेवेंट होने चाहिए, ओके, रेलेवेंट मतलब टू द पॉइंट, ऐसे फालतू के क्वेश्चंस मत डालो, इवन यू पीपल रिमेम्बर इट, राइट, तिलकराज, आप लोग भी ये क्वेश्चन, ये चीज ध्यान में रखना व्हेन यू मेक क्वेश्चन है, राइट, आपके 6th सेम में, ऐसे कोई भी फालतू क्वेश्चंस मत डालो कि फ्रेंड ने वो डाला इसलिए मैं डाल रही हूँ, नो, बेसिकली उसमें वही, मतलब सी एम्प्लॉय खुश है कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, वो कौन से गाँव से है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते पहले भी वी हैव टू कीप मेनी थिंग्स इन माइंड, ओके। तो मतलब सर्वेज मतलब वही क्वेश्चन है, वी ट्राई टू कलेक्ट मैक्सिमम डेटा एज पॉसिबल, राइट, ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज इन डेप्थ इंटरव्यूज। नाउ सी स्टूडेंट्स, इन डेप्थ इंटरव्यू मीन्स वॉट, हम डिटेल में कोई पर्सन का पर्सनली जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू में भी आपको पता है देर इज अ सर्टन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो, आप कोई भी टीवी पे एंड ऑल भी अगर इंटरव्यू देखते हो, जस्ट ऑब्जर्व, यू नो, वो तुरंत पहले ऐसे हाय हेलो हाउ आर यू ऐसे ही बात करेंगे, आई मीन उसके बाद धीरे धीरे दे विल गेट डिटेल्ड इन टू द टॉपिक, राइट, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इन डेप्थ इंटरव्यूज, सी स्टूडेंट्स, एंड अगर यू नो ये तो आप लोग नहीं करोगे, बट मोस्टली एमबीए लेवल के जो रिसर्च होते हैं, राइट, उसमें वो लोग डिटेल इंटरव्यू भी लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि गूगल पे आप जाके सर्च करते हो तो कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स है, ओके, यू ऑल नो, तो वो भी हमें कैसे पता चला होगा जब लोगों के इंटरव्यू लिए गए होंगे। अच्छा, अभी यू विल आस्क मी, मैम ऐसे कैसे वो लोग का इंटरव्यू लिया होगा, सो सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में यू नो थिंग्स हैव चेंज, मैं आपको जैसे कैसे गूगल फॉर्म दे रही हूँ, राइट, क्वेश्चन है वैसे होते हैं, एंड इंटरव्यूज जैसे हम वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दीज टू वे द मेन मेथड्स जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज फोकस ग्रुप्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, फोकस ग्रुप का मीनिंग क्या हो जाता है, आई टेल यू, कोई भी एक ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल यू नो जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, दीज आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा,
ओके, मतलब फोकस, मतलब यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ फोकस, हम कोई चीज पे ध्यान रखते हैं वो, राइट? तो फोकस ग्रुप का मीनिंग यही हो जाता है, यू नो, वी ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप कई बार ऑब्जर्व नहीं करते होगे, बट जब भी हम मॉल्स में, बिग बाजार एंड ऑल शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो मेनी पीपल आस्क यू, दे आर ड्रेस्ड एज नॉर्मल कस्टमर्स ओनली, बट वो लोग तुम्हें पूछेंगे कि यू नो मैम आप सी, बिकॉज नॉर्मली कोई तुम्हारे पास आएगा क्वेश्चन है लेके, सब लोग भाग जाएंगे, राइट? तो ये लोग क्या करते हैं, दे विल जस्ट ऑब्जर्व यू कि आपने ये ब्रांड क्यों लिया, वो ब्रांड क्यों लिया. ओके, मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछते हैं, मतलब उनका फोकस एक ग्रुप होता है उस पे, दे विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या डेटा उनसे मिल रहा है. ठीक है, आप देखो कई बार डायरेक्टली भी, आप देखो अगर आप मॉल्स एंड ऑल जाते हो, देर आर मेनी पीपल जो आपको रिसर्च लेके नहीं पूछते, राइट? दे जस्ट वॉन्ट टू बेसिकली स्टडी यू नो आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग. गुड, आज का टाइम का ये प्राइमरी डेटा में नॉर्मली, यू नो, पहले मैंने आपको जो तीन बताए वही इंक्लूड किए जा रहे थे, ये आज के टाइम की बात है. सोशल मीडिया, सी स्टूडेंट्स, मतलब आप देखो कई बार यू नो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, मतलब लोग फेसबुक ट्विटर उस पे क्या अपनी राय रख रहे हैं. ठीक है, आप कई बार देखो स्टूडेंट्स, इवन मैं रिसर्च की एंड ऑल बात करूँ, अमेजोन के रिव्यूज़ होते हैं, राइट? लोग उनके पेज पे जाके कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उससे भी प्राइमरी डेटा हमें पता चल सकता है. यू नो आज के टाइम में वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? सो एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सब कोई डेटा हमें मिल सकता है. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्राइमरी डेटा नाउ, जो हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. प्राइमरी डेटा में ग्रेट, मैं क्यों ये आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये आपके रिसर्च के टाइम पे भी काम आएगा. नाउ आई डोंट नो हु विल बी एंड ऑल, लास्ट ईयर तो मैं थी गाइड TYBMS मार्केटिंग की, आई डोंट नो. ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आपको भी डाउट ना आए. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डेटा. ओके, पब्लिक और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अदर्स. सी स्टूडेंट्स, गिविंग यू अ बेस्ट एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा, नहीं नॉट टेक्स्ट बुक वाला, एक थोड़ा हटके अलग सा होम असाइनमेंट दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे और फिर कॉपी पेस्ट करोगे, राइट? दैट इज वॉट वी डू ऑल दी स्कूलिंग कॉलेज ईयर्स. तो मैं आप लोगों को बता, प्राइमरी डेटा का मीनिंग क्या हो जाता है, जो डेटा ऑलरेडी पहले किसी कलेक्ट किया हुआ है, हम लोग सिर्फ वो डेटा उसे ले रहे हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, इट्स एज सिंपल एज दैट. अभी इफ आई आस्क यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, आपको पता चल जाएगा. सी, फर्स्ट टाइप आई विल टेल यू इंटरनेट, वो इसमें शायद लिखा नहीं है, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, राइट? ये सब पहले के है जो मैं आपको बताऊंगी, बट इंटरनेट पे गूगल, हम बोलते हैं ना गूगल हमारा माँ बाप डेटा, वाई? बिकॉज हमें वर्ल्ड का कुछ भी टॉपिक पे अगर हम टाइप करें, वी विल फाइंड इट ऑन गूगल. ठीक है, ओके. उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो सी व्हाट्स रिटन. ओके, और एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा है, अच्छा, ओके, लेट मी आस्क यू नाउ. ओके, सुबह से कुछ पूछा नहीं है ज्यादा, टेल मी, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो और एक कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ला सकते हो? देर इज वन मोर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, स्टार्ट्स विद द वर्ड एल. एल जो आई डोंट नो तुम लोग जाते भी हो कि नहीं, शक्ल भी देखी है कि नहीं, हमारी कॉलेज में ही है, एक ऐसे रूम की बात कर रही हूँ. स्टार्ट्स विद द वर्ड एल.
गुड। हाँ थैंक यू सो मच, सब लोगों ने आंसर किया है, रागिनी तिलक राज अनिकेत। गुड, लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। सो सी स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी में भी कई बार लोग जाते हैं रिसर्च करने एंड ऑल। तुम लोग तो नहीं जाते होगे, बट यू नो आपने देखा होगा वो काफी बड़ी बड़ी बुक्स है। लाइक आई रिमेम्बर मेरे MBA के टाइम पे एंड ऑल आई हैड टू गो टू माई लाइब्रेरी। ओके वही मैं आप लोगों को बोल रही थी। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी और ने लिखा हुआ होता है। ओके मैं आपको वही समझा रही थी। तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी डेटा। ओके हाँ लाइब्रेरी जो है वो ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। लाइब्रेरी है, उसके अलावा इंटरनेट बोला है। नाउ सी एट वॉट इट्स रिटन, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी करंटली बेस्ट एग्जाम्पल आ रहे हैं, इसमें काफ़ी कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, राइट? आप लोग अगर देखते हो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो गूगल पे भी कोई सर्च करता है कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया, तो आप लोग देखो गवर्नमेंट उसका स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स रिलीज करती है कि इतने लोग इन्फेक्टेड है, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग रिकवर हो गए। अगर आप लोग वो देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा है तो लेक्चर के बाद जस्ट गूगल इट एंड सी। ओके कोरोना वायरस इन इंडिया मतलब गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, यू नो आपको वो सेंसस का अगर पता है स्टूडेंट्स, आपने वो स्कूल में पढ़ा होगा, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमारा पॉपुलेशन कितना है उसका वो लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? तो वो गवर्नमेंट ये सब इंफॉर्मेशन जो है रिलीज करती है। ओके दैट इज नोन एज गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ओके इंडस्ट्री एसोसिएशंस, अच्छा ओके स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू वन थिंग। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है इफ़ सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर डूइंग CA, तो यू नो देर इज़ एन इंस्टीट्यूट नोन एज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ यू नो CS कर रहे हैं जो लोग कंपनी सेक्रेटरी, तो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऐसा कुछ है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक वन मोर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो इंटरनेशनल ट्रेड संभालने का काम इज अप टू WTO, राइट? तो आई मीन ऐसे जो सब इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं यू नो वो लोग भी खुद की साइड से रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो कई बार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड पे मुझे स्टडी करना है तो यू नो मैं क्या करूँगी, मैं WTO ने जो भी लिखा है मैं वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लूँगी, राइट? एंड सी स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, आप लोग भी कुछ ना कुछ डेटा तो आप लोग लोगे ही वेबसाइट से एंड ऑल से, राइट? तो रिमेम्बर एंड में ना यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। सी स्टूडेंट्स कॉपी पेस्टेड डेटा होता है तो वी हैव टू क्लियरली राइट हमने वो कहाँ से लिया हुआ है, उठाया हुआ है। ओके यस द नेक्स्ट वन इज ट्रेड पब्लिकेशंस। नाउ सी ट्रेड पब्लिकेशंस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, सी कई बार यू नो ऐसे काफ़ी मैगजीन्स जर्नल्स आते हैं जो यू नो ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर आप यू नो स्टूडेंट्स कई बार आप इफ पॉसिबल व्हेन कॉलेज स्टार्ट्स आप लोग खुद पूछ लेना लाइब्रेरियन को इफ पॉसिबल कि ऐसी मैम हमें कुछ मैगजीन्स या ट्रेड पब्लिकेशंस दिखा। दीज आर यू नो आई मीन वेरी प्रोफेशनल पब्लिकेशंस। ओके लाइक इसमें अगर बोले मैं आपको बताऊँ तो वो सब फालतू डेटा नहीं। हम देखो फॉर एग्जाम्पल यू नो हम अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब देखो इसमें बीच में इधर उधर की एड डाल दी, प्रियंका चोपड़ा ने क्या खाया, कौन बीमार था, वो सब आई मीन रबिश कंटेंट डालेंगे वो लोग, ठीक है। दीज ये जो मैगजीन्स होते हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, उसमें यू नो टू द पॉइंट लिखा हुआ होता है कि ये साल कंपनी ने कैसे किया, वो साल कैसे किया, राइट? वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। ओके तो ट्रेड पब्लिकेशंस मतलब इट्स लाइक अ बुक ओनली जिससे हम डायरेक्टली डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज इंडस सॉरी कंपनी वेबसाइट्स। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स अगर मैं कंपनी वेबसाइट्स की आप लोगों को बात करूँ मीन्स वॉट, फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर मैं गोदरेज का ही सर्वे कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयज खुश है कि नहीं, तो वॉट आई एम बेसिकली डूइंग इज कंपनी की जो वेबसाइट्स होती है
ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल godrej.com एंड ऑल. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको, आई यू डोंट हैव दिस टॉपिक, मैंने दूसरे क्लास को एक असाइनमेंट दिया था पहले, ओके, कि कंपनी का मिशन विजन स्टेटमेंट एनी 2-3 कंपनीज का यू हैव टू राइट. आई डोंट नो इफ आई गिवन टू दिस बैच एनी वे. सो वॉट दे हैड डन इज, यू नो, कंपनी के वेबसाइट पे गए थे और मिशन विजन लिख दिया था. ठीक है, मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी कंपनी के बारे में भी लिख रहे हो ना, तो बेसिक डेटा लाइक कंपनी का हिस्ट्री क्या है, यू नो, फाउंडर्स क्या है, विच बिजनेस दे आर इनटू, ऐसा बेसिक डेटा आपको मिल ही जाएगा कंपनी की वेबसाइट पे. ठीक है, ये साल में उनका टर्नओवर कैसा था, क्या कैसा था. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बोल रही हूँ वो. ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इसके बाद आई विल शो यू अ वीडियो, डोंट वरी. ओके, मार्केट रिसर्च पेपर. सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. रिसर्च पेपर, यू नो, इफ पॉसिबल आई विल शो इट टू यू नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, इट्स नथिंग बट मैंने, मेरा रिसर्च पेपर इज नॉर्मली, यू नो, टोटली डिपेंड्स कैसे टाइप का रिसर्च है. इन जनरल मैं अगर आपको बताऊँ, 2-3 पेज का रिपोर्ट होता है. ओके, उसमें एक फॉर्मेट होता है, आई विल शो इट टू यू प्रोबेबली. अच्छा, अदरवाइज यू नो आई विल शो इट टू यू थ्रू अ यूट्यूब वीडियो, नाउ दैट आई विल शो यू. ठीक है, तो उसमें क्या सब होता है, मतलब मार्केट रिसर्च, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी और ने वो रिसर्च ऑलरेडी करके रखा हुआ है. ओके, मुझे उससे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, एज सिंपल एज दैट. ओके, आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो. किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ. हमारे आज का लेक्चर हो गया है. ये जो है मार्क फोरकास्ट बाय एनालॉजी एंड ऑल, ये सब सेकेंडरी डेटा में कुछ और हमें पढ़ना है. एनी वे, दैट आई विल डू नेक्स्ट वीक, अभी नहीं करना है. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो मुझे यहाँ तक. ओके ग्रेट, नाउ आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन. डाउट है तो प्लीज पूछ लो, आई विल रिपीट एनी पॉइंट इफ यू आस्क मी. These are your assignment questions for today. What are the types of demand forecasting? Okay, मैंने आपको कहा market forecast and sales forecast. And what are the two methods of forecasting demand? ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या कहा, primary data and secondary data. ठीक है, so I hope assignment question clear है students आपको. किसी को और कुछ पूछना है मुझे? अभी मैं आप लोगों को जितना टाइम रह गया है, आई विल शो यू द यूट्यूब वीडियो. ठीक है, ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं कुछ यूट्यूब वीडियो रख रही हूँ. ओके, बिकॉज टाइम अभी कम है. ठीक है, एटलीस्ट कंसेप्ट हमारा हो चुका है. ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस. ओके, पहले मैं आपको टू टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट का बता देती हूँ. ठीक है, वन मिनट. ओके, ठीक है. Types of demand forecasting. Let us see इस पे कोई वीडियो है कि नहीं. ओके, एंड स्टूडेंट्स जस्ट अ रिमाइंडर, ये वीक में आप पहले के कंसेप्ट देख लेना. कुछ भी अगर रह गया है तो आई मीन अटेम्प्ट द क्विज, दैट इज वॉट आई मीन टू टेल यू. कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो मुझे. ठीक है, लेट मी सी.
सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो ही टाइप्स याद रखने हैं, मार्केट फोरकास्ट एंड सेल्स फोरकास्ट. ओके, मार्केट फोरकास्ट में क्या था बेसिकली, यू नो, हम कितना मार्केट है हमारा, हम उसे कैसे एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, सेल्स में मतलब ये टाइम में कितना मेरा सेल्स बढ़ेगा उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, फाइन. तो दिस आई एम नॉट शोइंग. मैं आपको एक जो वीडियो दिखाना चाहती थी. अच्छा, आई डू वन थिंग. पहले मुझे आपको वो दिखाना था, हाउ अ रिसर्च पेपर लुक्स लाइक. ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगी. दिस यू हैव टू रिमाइंड मी स्टूडेंट्स. ओके, आपको मुझे रिमाइंड. सी, मैं आपको, यू नो, रिसर्च पेपर का आई वॉज टेलिंग यू, तो वो कैसा दिखता है, आई एम शोइंग यू अ वीडियो ऑन दैट. ओके, हाउ द स्ट्रक्चर इज. ओके, सी, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है रिसर्च का. ओके, क्यों हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, राइट. फर्स्ट इज ऑलवेज इंट्रोडक्शन. मैंने आपको कहा है ब्रीफ आंसर्स भी आप लोग कैसे लिखते हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, राइट. सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स. इसका क्या मीनिंग हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, अगर मैं आपको बताऊँ, इफ यू रिमेम्बर, वी ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग टू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू डू समथिंग. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेथड. सी स्टूडेंट्स, लेट मी स्टॉप इट योर. या मेथड्स का मीनिंग क्या हो जाता है, मैंने आपको जैसे कि अभी कहा, यू नो, कि हम प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं लिखो. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रिजल्ट्स. सो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, उसमें देखो क्या लिखा है, यू नो, व्हाट द मेन फाइंडिंग्स, मतलब हमने ये सब डेटा कलेक्ट करके फाइंड कर लिया, फिर हमें क्या, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई गोदरेज रिसर्च. ओके, तो उसमें फिर मुझे क्या पता चला कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं. ठीक है, उसकी बात हो रही थी, फाइन. ओके, सो नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट नाउ डिस्कशन और कंक्लूजन, मतलब एंड में हमें क्या एनालाइज करने को मिला कि क्या एम्प्लॉयज खुश है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो या दिस इज बेसिकली, इसमें ऐसा सब डेटा हमें मिल जाता है. ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर, ये आप लोग को एनी वे, यू नो, 6th सेम में ये सब स्टूडेंट्स काम आने ही वाला है. ओके, अभी आई एम शोइंग यू टाइप्स, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, टाइम हमारा कम पड़ेगा, बट एनी वे, लेट्स सी. अगर शॉर्ट, हाँ, आई विल टेक दिस वीडियो, दूसरा वीडियो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो. ओके, कंफ्यूजन जो लोग के है वो लोग के लिए ये वीडियो है, राइट. फर्स्ट हैंड डेटा, प्राइमरी डेटा, राइट. सी, स्टूडेंट्स, ये सब जो था एक्चुअली ये सेकेंडरी डेटा था. ओके, मैंने आपको कहा है न्यूज़पेपर्स है, लेट मी शो यू दिस वीडियो, ये वीडियो दिखा रही हूँ, लुक पे अटेंशन टू दिस नाउ. प्राइमरी में आपको याद रखना है फर्स्ट हैंड डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दैट वीडियो वॉज अ बिट कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने वो पूरा फिनिश नहीं किया. ओके,
मतलब सी प्राइमरी रिसर्च जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा जो आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज ऑलवेज मोर रिलायबल, ओके। सी ये सब दीज आर द टाइप्स, ओके। इंटरव्यूज हो गए, ये सब मार्केट रिसर्च के टाइप्स है। इससे हम पर्सनली पूछ सकते हैं किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, राइट। ओके। सेकेंडरी मैंने आपको कहा सिंपल, जहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, गूगल है, लाइब्रेरीज है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ है, हम उसे ढूंढने की ट्राई करते हैं, फाइन, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इस पे और भी वीडियोस है विच आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ फॉर